गुड मॉर्निंग पब्लिक, क्या हाल चाल। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। सुबह सुबह काम अब शुरू हो चुका है। देखिए, 4 दिन के कपड़े सब मैं धो के उतार के सोफे पे रखे जा रही थी, और एक एक दिन में दो दो लॉट धोए हैं मैंने। 4 दिन तो नहीं, तीन, तीसरा दिन है ना आज। हाँ, 3 दिन के कपड़े। अभी एक और मशीन लगा के आई हूँ, तो जगह खाली की थी बाहर से, तो अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। अगर मैं बिखेरती तो पूरा सोफ़ा भर जाता, इसलिए मैं ले आई हूँ तय लगाने के लिए। और कुछ वुलन्स हैं, हैवी वुलन्स जो हैं वो सब समेटना भी शुरू कर रहे हैं हम आज से। तो आज दिया की छुट्टी भी है, तो मतलब छुट्टी क्या, कल छुट्टी थी तो आज शाम को जाना है इसने। तो उसको गर्मियों के कपड़े भी निकालने की इच्छा हो रही है कि अब मौसम बदल गया है, तो थोड़ा गर्मियों के कपड़े निकाल लिए जाए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर थोड़े समेटते हैं, थोड़े निकालते हैं, क्योंकि सारे तो इकट्ठे नहीं निकलेंगे। तो अभी मैं जो धुले हुए कपड़े हैं, जो बिल्कुल अभी 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 धुले हैं, जो बिल्कुल अब यूज़ नहीं होंगे, वो सब मैं अलग कर रही हूँ। तो हम वो वैक्यूम बैग में डालेंगे और वैक्यूम बैग सील करके एक एक करके रखते जाएंगे और एक एक करके निकालते जाएंगे। क्योंकि विंटर्स के तो इतने नहीं होते ज़्यादा कपड़े, बट समर्स के हमारे बहुत सारे कपड़े हैं। तो अगर अलमीराज खाली नहीं की, वुलन्स नहीं हटाए, तो नॉर्मल कपड़े आ नहीं पाएंगे अलमारी में। तो इसलिए काम में लगे हुए हैं। और शाम को जाना है वेडिंग में, बट अभी मेरी किसी से बात नहीं हो पाई है, तो साथ का प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं कैसे जाऊँगी। लेट सी, मेरी कल बात हुई थी मेरी कज़न से, तो वो मुझे बताएगी, बट टाइम से बताएगी, तभी मैं रेडी हो पाऊँगी, अदरवाइज़ फिर मेरा ड्रॉप हो जाएगा। पर मेरा बहुत मन है जाने का। हाँ, तबीयत लो है थोड़ी, अभी भी बैक में बहुत पेन है, शोल्डर्स में पेन है, और थोड़ा वही फीवरिश सा लग रहा है। बट वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे दूर का रिश्ता है बट बहुत प्यार का रिश्ता है, तो मेरी विशेज़ वहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। नहीं जा पाऊँगी तो फिर मैं किसी के थ्रू अपना आशीर्वाद भेज दूँगी, है तो मेरी छोटी बहन ना। क्योंकि जो ये थर्ड जनरेशन थी, मेरी नानी, नानी के बाद मम्मी, और मम्मी के बाद हम सब जो हैं, तो मेरी मम्मी की सिस्टर की बेटी की शादी है, कज़न सिस्टर की। तो मेरी जनरेशन जो शुरू होती है मुझसे और नानी का परिवार में, मैं सबसे बड़ी होती हूँ, तो मेरे से जो जनरेशन शुरू हुई है उसमें ये बच्ची आती है, ये जो मेरी सिस्टर है आती है। तो एज अ एल्डर सिस्टर मुझे बड़ी वो लग रही है कि क्यूरियोसिटी हो रही है कि यार मुझे जाना चाहिए, बट देखती हूँ क्या बनता है, शाम तक तो पता चल ही जाएगा। तो फिर निपटाते हैं, काम तो करने पड़ेंगे। और ब्रेकफास्ट का हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, तो डिप वाली ब्रेड अंडे वो बना के जान छोड़ दूँगी, बाकी सब्जियाँ बनी हुई हैं उसी के साथ, दिन में रोटी चावल जो खाने होंगे बन जाएंगे, ऑल सॉर्टेड। चलिए फिर टफ से ये काम निपटाते हैं, फिर अगले काम पे लगते हैं। ये है आज घर की हालत, ये कपड़ों का ढेर, आलस का ढेर और ये देखिए यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फेंके हैं, क्योंकि ये सारे कपड़े दिया ने अलमारी से निकाल के मेरे बेड पे फेंक दिए थे, इसलिए मैंने यहाँ रख दिए हैं। और अब मैं आई हूँ बनाने के लिए राइस, और हमने सुबह खाए थे ये वाले टोस्ट, एग वाले टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट। मैं बना रही हूँ चावल और पनीर की सब्जी बची हुई थी रात की, और कल की आलू की सब्जी भी रखी थी, तो चावल के साथ वो लग जाएगी। फिर शाम को देखेंगे, शायद पापा का मूड है राजमा बनाने का, और क्या सीन हुआ है कि मुझे जाना था शादी में, बट मेरे जैसे साथ ढूंढने वाले और भी बहुत लोग लाइन में थे, तो मेरी सीट नहीं मिल पाई मुझे। मूड बहुत था जाने का, बट एज यू नो कि इस वक्त थोड़ा सा बाहर गए थे ना शादी में, तो थोड़ा सा हार्ट टाइट है, तो कैब करके जाना पड़ेगा, और इतनी दूर फिर वापसी में कैब मुश्किल हो जाएगी अकेले के लिए मेरे, कि कैब में वापस आना। तो मेरे को ये था कि मैं किसी के साथ चली जाऊँ, तो मेरी कज़न के साथ मेरा प्रोग्राम था, कल मेरी बात हुई थी कि आज मैं उनके साथ जाऊँगी, बट वहाँ पर उनकी कार में ऑलरेडी 3 लोग थे, तो मैंने 4th नंबर अपना लगाया था, बट कोई और आ गया वहाँ पर, और वो ऐसा इंसान है जो मेरे साथ शायद जाना कंफर्टेबल नहीं समझेगा, तो मैंने बैकआउट कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, वो लोग चले जाएं, मैं बाद में कभी मिलाऊंगी नहीं, तो फिर मैं जो अपना सगन वगैरह जो भी मैंने देना है वो मैं अपनी कज़न को भेज दूंगी, उसी के हाथ भिजवा दूंगी। आई डोंट नो अभी क्या होगा, शाम तक कुछ और प्लान बन गया तो मुझे नहीं पता, बट फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं अब जा पाऊँगी। होता है कई बार आपकी नहीं प्रेजेंस हो पाती, मन बहुत होता है जाने का बट नहीं जा पाते, तो बस यही होता है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं।
जो कि फ्री का जुगाड़ लगाने में लगे हुए थे कि साथ बन जाए तो अपन भी चले जाए। तो बस वही है, उनका नंबर पहले लग गया, मेरा कट गया। कोई बात नहीं, होता है भाई, सब सबके अपने अपने रिलेशन है, अपनी अपनी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। मैंने एक्चुअली कल ही बोल दिया था तो मैं निश्चिंत थी, मैंने किसी और से बात भी नहीं की, पता भी नहीं किया। बट होता है ना, प्रायोरिटीज सबकी अलग अलग होती हैं। आप चाहे कितना ही अच्छा किसी के साथ बन के रह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, जिसको जिसके साथ निभानी है और जिसका करना है उसी का करना है। अब सामने वाले ने तो मुझे बोल दिया कि वो मेरे दिमाग से निकल गया कि आपको भी मैंने बोला था या आपने भी मुझे बोला था कि आप साथ चलोगे, क्या ही बोल सकते हो। एक बात में से 100 बातें निकल के आ सकती हैं। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, होता है, मेरा नहीं जाना लिखा होगा, दीदी को सॉरी बोल दूंगी, और क्या होगा, नहीं साथ है यार, और मैं अकेली नहीं जा सकती। समित का एग्ज़ाम है कल और पापा को भी ऑफिस जाना है, दिया भी ऑफिस चली जाएगी अभी 5 बजे 6 बजे, तो मैं अकेली हूँ, अकेली मैं कहाँ कैसे जाऊँगी, और फिर समित को पढ़ना भी है, मुश्किल है अकेले जाना। तो चलिए फिर चावल चुमन रखते हैं, खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि समृद्ध ने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया, तो सीधा उसको खाना ही खिला देती हूँ, वो बढ़िया रहेगा। चलिए, मूड नहीं ख़राब करती मैं, पर दिल टूट जाता है यार, एक्सपेक्टेड नहीं होता ना जिन लोगों से, वो लोग कर देते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बात। कोई बात नहीं, टाइम टाइम की बात है। है दोनों को क्या हो रहा है, तेरे को तो खाना मिल गया, तेरे को क्या हुआ है, ये क्यों रो रहा है, ये क्यों रो रहा है, खाना नहीं मिला तो ये तो दिन में खाता भी नहीं है, दूध पी लिया इसने। अल्ले ये क्या किया आपने? मैंने आपको क्या बोला था, धोके छन्नी में रख दो और नीचे ग्रीन कलर की छन्नी पड़ी है उसमें डालना। परात, मैंने परात वर्ड यूज ही नहीं किया, मैंने ग्रीन कलर की छन्नी आटे के ड्रम के साइड में पड़ी है पूरा क्लियरली बोला था। इसको अगर ऐसे पड़े रहने दोगे सूखेगी कब? कैमरे के चक्कर में प्लीज, ओ हो हो हो। अब तो कैमरा गले में टांग के रखूंगी मैं। ये है बास्केट जिसके अंदर मैंने इनको बोला था रख देना, एक साइड पे ये परात पड़ी थी और एक साइड पे ये परात। अब गई, बोलो, अब मैंने कैमरा ऑन कर दिया, अब मैंने आपकी हर बात रिकॉर्ड करके डाला करूंगी। बोलो बोलो, जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, पहले इधर आके बोलो, क्या बोल रहे थे, अब कैमरे पे बोलो, क्या आप यहाँ सोओगे? नहीं सोओगे आप यहाँ पे, क्योंकि आप मारोगे खराटे और मुझे करना होता है एडिट, एडिट के बीच में आएंगे आपके खराटों की आवाजें। सेमी का पेपर है, नहीं तो आप रोज वहीं सोते हो, सेमी बाहर बैठ के पढ़ता है, यहाँ नहीं सोओगे आप। आप बोलो ना, मैं खराटे मार रही थी, अभी तो इतना कुछ बोल रहे थे, कैमरा ऑन होते ही सारी टोन चेंज हो जाती है, तो मेरे खराटे मेरे को थोड़ी सुनाई देते हैं। तो मतलब वो तो बया परेशान होता, मैंने तो कभी नहीं, आप तो घूक सो रहे हो तो पहले खराटे मार रहे होते हो, मेरे को तो खराटे की आवाज, वो आप जब सुबह उठते हो तब आती है, मतलब मेरी, ठीक है, बिल्कुल मेरे पास तो है, 25 साल हो गए, रटेगा नहीं। अब निकल लो, कैमरा ऑन है, अब निकल लो, चलो चलो। तो अभी कारपेंटर भैया आए थे भागने के चक्कर में, क्योंकि मैं 4 दिन से उनको बुला रही थी और वो आ नहीं रहे थे, तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। उधर का बेड दिखा दिया है, कंप्यूटर टेबल में भी थोड़ा सा काम मैं करा रही हूँ ताकि वो पैसेज क्लियर हो सके, वहाँ की जगह दब जाए, तो वो दोनों चीज़ें दिखा दी हैं, खर्चा वो बता गए हैं। अभी गद्दे का नहीं पता चला, क्योंकि वो उनको आइडिया नहीं था कि कौन सी फॉर्म लगेगी और कैसे बनेगा, कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने बोला कि मैं दुकान पे जाके एस्टिमेट बना के आपको बताऊंगा। गद्दे आपको मजबूत वाले चाहिए, मोटा गद्दा, मैंने बोला ये तो फॉर्म है, नीरी फॉर्म है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिलहाल मैंने बेचने का आइडिया ड्रॉप करके मैंने सोचा इसी पे पैसे लगा के इसको ठीक किया जाए। तो अब कल सुबह वो आएंगे, कल होगी ठोका पीटी, वहाँ कंप्यूटर का जो आगे का स्पेस है वो कटेगा और नीचे एक चैनल लगेगा, ट्रे लगेगी जिसपे हम कीबोर्ड रख सके ताकि वो जो पैसेज है वो क्लियर हो सके। कुर्सी मैं शायद निकाल दूंगी, छोटी कुर्सी बाद में ले आएंगे, अभी निकाल दूंगी, और बेड का काम होगा। तो कल तो खटर पटर घर में ही होने वाली है। और आज पता क्या हुआ, इन्होंने पता नहीं कौन सी बिल्डिंग तोड़ी, क्या तोड़ा उन्होंने, हमारी पूरी बिल्डिंग वाइब्रेट कर गई। तो नीचे फर्स्ट फ्लोर वाले भाई साहब और ये मेरे हस्बैंड दोनों गए भाग के, वहाँ पे जाके बात करके आए, तो उन लोगों ने बोला कि ये थोड़ा बहुत तो होगा, अरे थोड़े बहुत के चक्कर में हमारी पूरी बिल्डिंग हिल गई। यार क्या हुआ, लड़ रहे हैं दोनों, छुड़ाओ ना फिर,
अरे वो दांत लग जाएगा कोको का। दिया अच्छा दिया जा चुकी है और इन्होंने फ्रूट चाट बना के खा ली है। अब रात का खाना जो है ऑलरेडी बना हुआ है। हे राम, रात का खाना ऑलरेडी हमने बना लिया है। चावल बनाए थे मैंने तो खाए नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी दिन में। और दिया टिफ़िन लेके जा चुकी है। समृद्ध के लिए चावल है, आलू है, पनीर की ग्रेवी भी है, मतलब पनीर जो शाही पनीर है उसकी ग्रेवी भी हो जाएगी। तो रात को भी मैं खाना नहीं बना रही हूँ, कल सुबह के लिए मैं रात को ही माँ की दाल भिगो दूँगी। तो कल या तो कल दाल मखनी बनाऊँगी, दाल मखनी बना दूँगी। तो अभी जो दालें हैं उन्हीं से काम चलाऊँगी ताकि थोड़ा दिन और निकल जाए तब तक, क्योंकि अभी आधा महीना हुआ है और पॉकेट खाली हो चुकी है और ये खर्चा और आ गया सिर पे। और शादी में नहीं जा पाई हूँ मैं, उन लोगों के वीडियोस देख रही हूँ, मेरा इतना मन वो हो रहा है ना। सारे आ रखे हैं, मेरी मामियाँ आ रखी हैं, मासियाँ आ रखी हैं, सिस्टर्स आ रखी हैं, सब आ रखी हैं यार। मैं नहीं जा पाती, मैं मिल ही नहीं पाती उन लोगों को। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोग वीडियोस देखते हैं या नहीं देखते हैं। कभी किसी ने कोई मैसेज नहीं किया, कभी किसी ने उस बारे में कभी बात ही नहीं हुई मेरी किसी से। उन लोगों के वीडियोस देख देख के बस खुश हो रही हूँ मैं। अभी घड़ोली के वीडियोस उन्होंने डाले थे, तो कोई एक आधा वीडियो अगर मुझे मिलेगा तो मैं इधर यहाँ पे लगाऊंगी। तो आप देखिएगा कि कितना अच्छा छोटा सा अपना गैदरिंग करके सब इंजॉय कर रहे थे। मैं नहीं जा पाती, चले जाती हूँ। हर चीज को तोड़ ताड़ के मेरे आगे रख देते हो तुम, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते बता। और इसका लॉक ही नहीं होगा ये डब्बा, अब ढक्कन फेंको और खाली उसको ऐसे ही यूज करो, एक कम नहीं होता थोड़े को। ये मेरी गार्लिक ब्रेड बची है जो इतना कुछ बनाती हूँ मैं इन लोगों के लिए, इनको कुछ कदर नहीं है, बस दो दो तीन तीन पीस खाए हैं और ये वेस्ट। अब मैं बनाने आई हूँ रोटी और समृद्ध को दूंगी एक तो राइस और शाही पनीर की ग्रेवी और ये थोड़े से आलू वाले बचे हुए हैं जो दिया को टिफ़िन में दिए थे। चलिए फटाफट से खाना ख़त्म करते हैं फिर बाय करेंगे। ये जी लग गई थाली और ये मैडम भी आ गई है खाना खाने, तो इसको पेडिग्री भी डाल रखा है। वो भाई कुछ नहीं खा रहा, मैंने भी खा लिया है बट पापा भी नहीं खाते, तो उनके लिए चपाती और चावल मिक्स करके मैंने रख दिए हैं। मैं वैसे पूरी नहीं खा पाऊँगी सब्जी, तो इसमें भी बचेगी, तो आज का काम तो इसी सब्जी से निपट गया। सबका हो गया खाना। अब मैं रात को जब ये खाना खा के आऊँगी तो मैं उड़द की दाल जो है वो भिगो दूँगी दाल मखनी बनाने के लिए। देखती हूँ राजमा कितने बचे हुए हैं, तो वो बिना उसके तो मखनी दाल अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए मैंने सोचा मैं आपको गुड बाय शुड बाय करके ही अंदर जाऊँ, क्योंकि अंदर वो देख रहे हैं न्यूज़ पापा, देखते हैं तो वो देख रहे हैं न्यूज़ में, इंटरेस्ट बना हुआ उनका, तो मैं अंदर जाके उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने सोचा मैं यहीं से गुड बाय कर देती हूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे बताइएगा शॉर्ट्स में जो मैं रेसिपीज़ अपनी दे रही हूँ वो कैसी लग रही है। और अगर किसी ने आलू की सब्जी ट्राई नहीं की है इस तरीके से अनारदाने वाली, तो करके देखना, बहुत टेस्टी बनती है बहुत। चलिए बाय।